इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। दबंग भूमाफिया के द्वारा वन विभाग व राजस्व विभाग की जमीन को कब्जा कर लगाया जा रहा है राजस्व का चुना। लोगों द्वारा सूचना देने पर भी जिम्मेदार अधिकारी कर रहे हैं टालमटोल। दबंग भूमाफिया द्वारा आम जनमानस के हितों का किया जा रहा है हनन। सोनभद्र ओबरा स्थानीय थाना क्षेत्र अंतर्गत बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में एक खनन माफिया द्वारा आरजी साबिक संख्या 1967 और हल आरजी संख्या 4478 से ओबरा बिल्ली खनन क्षेत्र में जाने वाले मार्ग को कब्जा किया जा रहा है। स्थानीय लोगों के द्वारा 11 जनवरी 2024 को तहसील ओबरा में उप जिलाधिकारी के नाम प्रार्थना पत्र के माध्यम से शिकायत की गई। शिकायतकर्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से बताया गया कि ग्राम पंचायत बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में साबिक आरजी संख्या 1967 हाल आरजी संख्या 4478 से होकर जाने वाली लगभग 50 साल पुराने मार्ग पर दबंग भूमाफिया के द्वारा अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है, जो कि मौके पर देखने मात्र से ये पता चलता है कि ये मार्ग खनन किए गए पहाड़ी के भूमि से होकर जा रहा है। और तो और, पहले से भी दबंग भूमाफिया द्वारा यहाँ पेट्रोल टंकी लगाकर कब्जा किया गया है। टंकी वाली भूमि भी पहाड़ के खनन वाले हिस्से पर है, लेकिन कब्जा कर रहे लोगों का कहना है कि ये भूमि भूमिधर है, लेकिन राजस्व के नक्शे में ऐसा कहीं तर्मीन नहीं है। और इस 50 से 60 साल पुराने मार्ग को दीवार उठाकर दबंग भूमाफिया द्वारा कब्जा किया जा रहा है, जो सरासर गलत है और जनहित में ये प्रकरण जाँच का विषय है। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।